Hello dear learners, so in this video I'm going to explain the merits of a joint stock company and the demerits of a joint stock company. So let us start with the first point, which is huge financial resources. Yes, जो company के पास होते हैं बहुत ज़्यादा amount में financial resources होते हैं जिनको वो use कर सकती है अपने production के लिए. सो नेक्स्ट वन इज़ लिमिटेड लाइबिलिटी. जो कंपनीज की जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है. जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के, उन्होंने जितने अमाउंट के शेयर्स खरीद रखे होते हैं उतने ही शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी होती है. नेक्स्ट वन इज़ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. सो पब्लिक कंपनी में क्या होते हैं, शेयर होल्डर्स को अलाउ होता है कि वो अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनी इस फीचर को रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं. नेक्स्ट वन इज़ इफ़िशियंट मैनेजमेंट. सो इफ़िशियंट मैनेजमेंट, कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो कंपनी को इफ़िशियंटली मैनेज करते हैं ताकि कंपनी का जो काम है वो अच्छे से चलता रहे. नेक्स्ट वन इज़ इकोनॉमीज़ ऑफ लार्ज स्केल ऑफ़ बिज़नेस. सो इकोनॉमीज़ ऑफ लार्ज स्केल ऑफ़ बिज़नेस का मतलब क्या होता है, आपने इंटरनेशनल बिज़नेस सब्जेक्ट में भी पढ़ा होगा. जब आपने बहुत सारी थ्योरीज जो होती हैं वो पढ़ते हैं, जैसे एब्सोल्यूट एडवांटेज, कंपैरेटिव एडवांटेज, उसमें एक पॉइंट आता है इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल. सो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है कि जब प्रोडक्शन को हम बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो हमारा कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाता है. सो दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल. सो कंपनी भी लार्ज स्केल पे बिजनेस करती है तो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन भी करती है, तो इसलिए उसका कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाता है. तो ये एक मेरिट है जॉइंट स्टॉक कंपनी का, इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल. सो नेक्स्ट वन इज़ डेमोक्रेटिक सेटअप. डेमोक्रेटिक सेटअप होता है, जो कंपनीज के मेम्बर्स होते हैं वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सिलेक्ट करती हैं बाय यूजिंग देयर वोटिंग ऑफ राइट्स, एंड दैट्स वाई इट विल बिकम अ डेमोक्रेटिक. नाउ नेक्स्ट वन इज परमानेंट लाइफ. कंपनी की जो लाइफ होती है वो परमानेंट होती है. सो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जो किसी को सू भी कर सकती है और कंपनी को भी कोई सू कर सकता है, कि जब तक कंपनी का एक प्रॉपर प्रोसीजर जिसको हम लिक्विडेशन बोलते हैं उसके थ्रू कंपनी को एंड नहीं किया जाता है तब तक कंपनी की लाइफ चलती रहती है. सो नेक्स्ट पॉइंट इज पब्लिक कॉन्फिडेंस. सो कंपनीज के जो शेयर होती है वो पब्लिक ही खरीदती है. जैसे अगर पब्लिक कंपनी है तो कंपनी के शेयर्स पब्लिक खरीदेगी, तो इसलिए पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस है वो कंपनी के ओनर्स को मिल जाता है. नेक्स्ट इज़ रिस्क शेयरिंग. सो शेयर होल्डर्स होते हैं जो कंपनी के, वो कंपनी का रिस्क शेयर करते हैं. नेक्स्ट वन इज अजम्पशन ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. अजम्पशन ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने देखा होगा, कंपनीज जो होती है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में आपने पढ़ा होगा. सो यहाँ पे कंपनीज़ के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है सोसाइटी के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इन्हेंस करने की. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डीमेरिट्स ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी. सो नंबर वन पॉइंट इज कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर ऑफ फॉर्मेशन. कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर ऑफ फॉर्मेशन. सो हियर कंपनी का जो फॉर्मेशन का प्रोसीजर होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है. जैसे उस कई सारे स्टेप्स होते हैं, प्रमोशन करना, इनकॉर्पोरेशन करना, कैपिटल सब्सक्रिप्शन, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. सो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं, कैपिटल सब्सक्रिप्शन में कई सारे स्टेप्स होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे सेबी का अप्रूवल लेना, फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस, ब्रोकर्स को अपॉइंट करना, अंडरराइटिंग, इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, लिस्टिंग, सब्सक्रिप्शन, अलॉटमेंट, रिफंड, शेयर सर्टिफिकेट्स. तो कई सारे काम होती हैं जिसको करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है. तो इसलिए जो कंपनी की फॉर्मेशन का प्रोसीजर होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है. नेक्स्ट वन इज़ डिले इन डिसीजन मेकिंग. डिले हो जाता है क्योंकि कंपनी के बहुत ज़्यादा शेयर होल्डर्स होते हैं और उनकी राय भी लेनी ज़रूरी होती है, जिससे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डिसीजन लेने में टाइम लग सकता है. नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ सीक्रेसी. सो जो कंपनी की जो डिटेल्स होती हैं वो पब्लिक को शेयर्स करनी ज़रूरी होती है, उनके इन्वेस्टर्स को शेयर करनी ज़रूरी होती है, गवर्नमेंट को दिखाना ज़रूरी होता है. तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जो कंपनी सीक्रेट रख सके. तो सीक्रेसी की कमी होती है जॉइंट स्टॉक कंपनीज में. नेक्स्ट वन इज़ एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल. सो गवर्नमेंट का जो
इंटरवेंशन हैं या गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो बहुत ज़्यादा होता है जॉन स्टॉक कंपनी में। द नेक्स्ट पॉइंट इज ओलिगार्किक मैनेजमेंट। ओलिगार्किक मैनेजमेंट क्या होता है? ओलिगार्किक मैनेजमेंट होता है कि जो इट रिफर्स टू द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस और कंपनी इन द हैंड्स ऑफ फ्यू। ओके, सो कुछ ही हाथों में कंपनी के मैनेजमेंट का कंट्रोल होना, दैट इज ओलिगार्किक मैनेजमेंट। और इससे क्या होता है, जो पावर के मिसयूज करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ओके, सो ओलिगार्किक मैनेजमेंट यू कैन सी इन जॉइंट स्टॉक कंपनी। सो नेक्स्ट वन इज कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग वेरियस ग्रुप्स। सो सपोज फॉर एग्जांपल यू कैन सी एक होल्डिंग कंपनी है, उसकी कई सारी सब्सिडरी कंपनीज हैं। सो कई सारी सब्सिडरीज कंपनीज हैं, उनमें भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है। सो एक ही कंपनी में कई सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन डिपार्टमेंट्स में या कह लो उनको ग्रुप्स में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो चांसेस रहते हैं वेरियस ग्रुप्स में कन्फ्लिक्ट होने के। सो आई होप वी हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो द मेरिट एंड डीमेरिट्स ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी। सो होप यू अंडरस्टूड ऑल द पॉइंट्स। इफ स्टिल यू हैव डाउट यू कैन टाइप इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, आई विल बी आंसरिंग यू ऑफ ऑल योर क्वेरीज। सो दैट्स ऑल, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।